नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन में। दोस्तों बात करने वाले ट्रेडेंट स्टॉक के बारे में। सो गाइस, वापस से शेयर मार्केट का जो जंप है वो यहाँ पे नजर आ रही है। बढ़ती हुई जो तेज़ी है वो यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिल रही है। फिलहाल टाइम दोस्तों पिछले 5 ट्रेड के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया और कंपनी जो है लगभग जो बड़ी कंपनी है दोस्तों वो 12 अप्रैल यानी कि कल से जो Q4 का जो डाटा है वो यहाँ पर रिलीज करने जा रही है। धीरे धीरे तो बाकी कंपनियाँ वो भी यहाँ पर रिलीज करेगी और ट्रेडेंट भी यहाँ पर रिलीज करेगी। दोस्तों फिलहाल टाइम कंपनी जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रही है, अच्छी अच्छी डिविडेंड यहाँ पे प्रोवाइड करा रही है। तो फिलहाल टाइम दोस्तों किस प्रकार का जो टारगेट है वो कंपनी दे सकती है, तो इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो फिलहाल टाइम दोस्तों जो चार्ट का जो संकेत है वो भी बड़े तेजी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कि दोस्तों आज की अगर प्राइस की बात की जाए तो ₹32.10 पर मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और ₹2.30 का सर्किट आज के दिन यहाँ पे नजर आया है। उसी बीच अगर आज के रिटर्न की बात की जाए तो 7.72% किस प्रकार के जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिले, तो कंपनी परफॉर्मेंस अपने दमखम के साथ दिखाती हुई नजर आ रही है। अगर आज के हाईस्ट प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों ₹32.20 जो हाइस्ट प्राइस है वो यहाँ पे नजर आने वाली है, पर गिरावट की अगर बात की जाए तो दोस्तों ₹29.70 तक शेयर में गिरावट भी देखने को मिली थी, पर ओपनिंग जो थी ₹29.80 के साथ देखने को मिली जो कल के प्राइस पर क्लोजिंग थी। पर उसी प्रकार का जो फंडामेंटल है वो अच्छा खासा अगर इस प्रकार रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो जो पिछले 5 ट्रेड जो रहने वाली उसमें परफॉर्मेंस अच्छा खासा नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम एक जो ट्रेड थी इस टाइम गिरते हुए भी देखने को नजर आई थी, पर उस वजह से गिरावट में जो रिटर्न हैं दोस्तों वो यहाँ पे गिरावट में देखने को ज्यादा मिली है। अब उस बीच यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी जो है मार्केट कैप अच्छा खासा यहाँ पे सॉलिड बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों धीरे धीरे जो रिकवरी है वो तो देखने को मिल रही है, कंपनी में पिछले टाइम गिरावट भी देखने को मिली और जो गिरावट जो देखने को मिली उसके साथ साथ दोस्तों रिकवरी अगर इस प्रकार के देखने को मिल रही है तो कंपनी लॉस में यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि कंपनी को लॉस मोस्ट जीवेट मुक्त यहाँ पे देखने को मिल रही है और कंपनी के पास जो अच्छी खासी जो रकम है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के पास अच्छी खासी रकम होगी तो भी कंपनी जो है डिविडेंड यहाँ पे आउट करेगी, तो इस चीज़ का दोस्तों आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है कि कंपनी पैसा आप लोगों का जो है डूब जाएगा और कंपनी का जो पैसा है वो यहाँ पे गिरावट में देखने को मिल जाएगा। तो वो चीज़ आप लोग को जो सेंटीमेंट जो है दोस्तों आप लोग को दिमाग के अंदर से जो है निकाल देने चाहिए, क्योंकि कंपनी वापस से रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है और पिछले 1 महीने की अगर बात की जाए तो 7% की जो तेजी है इंप्रूवमेंट के तौर पर देखने को मिली है और ₹2.10 का जो जंप है वापस से नजर आया है। फिलहाल टाइम अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो दोस्तों लगभग 16 ट्रिलियन करोड़ के आसपास यहाँ पे नजर आने वाला है। उसी बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो पी रेट अच्छी खासी यहाँ पे 32.67 की यहाँ पे नजर आ रही है। तो कंपनी ने Q3 के अंदर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला और कंपनी लगातार दोस्तों तेजी के साथ इंप्रूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। अब लगातार शेयर होल्डर्स का ये मानना है कि शेयर में तो ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, तो इस चीज़ का आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। दोस्तों अब यहाँ पे देखा जाए तो जो पिछले 5 साल की अगर ट्रेड यहाँ पे देखते हो उसमें जो कोविड की टाइमिंग की बात की जाए तो उसमें जो शेयर की जो प्राइस देखने को मिल रही थी वो लगभग देखा जाए तो ₹2 के आसपास यहाँ पे देखने को मिली थी, सॉरी ₹3 के आसपास है, ₹3.85 से दोस्तों जिन्होंने बाय किया था उसने लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो किया। उस बीच यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों शेयर की जो प्राइस थी वो ₹67.80 तक इंप्रूवमेंट के तौर पर देखने को मिली, फंडामेंटली में अच्छा खासा सुधार यहाँ पे देखने को मिला। अब लगातार कमेंट्स जो है वो ये देखने को मिल रहे हैं कि Q4 का क्या टारगेट रह सकता है, तो मेरी एनालिसिस के मुताबिक दोस्तों Q4 का जो टारगेट है इस प्रकार की अगर तेजी यहाँ पे चलती है तो 40+ को यहाँ पे दोस्तों आने वाले टाइमिंग के लिए क्रॉस कर सकती है। अगर कंपनी जो है Q4 का जो रिजल्ट है वो अगर लेट तक यहाँ पे रिजल्ट जारी करती है तो उसमें वापस से शेयर में बड़ी जंप आप लोग को वापस से नजर आ सकती है और कंपनी का जो टारगेट है 50+ का जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखते हुए आप लोग को ट्रेड यहाँ पे लेने से अच्छी खासी जो फंडामेंटल है इंप्रूवमेंट के तौर पर जो सुधार यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों पिछली जो 5 ट्रेड जो देखने को मिली उसके साथ अगर आज की जो ट्रेड देखने को मिली उसमें काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ जो इंप्रूवमेंट जो अंतर है वो यहाँ पे नजर आने वाला, तो उसमें रिकवरी काफी तेजी के साथ देखने को मिली। फिलहाल के हम दोस्तों लेकर चलता हूँ बेसिक फंडामेंटल की ओर। उससे पहले बता दूं चैनल पर फर्स्ट बार डिजिट के दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से सेलेक्ट। तो दोस्तों आज के कारोबार की हमें बात आई तो दोस्तों कारोबार जो रहने वाला 3,81,22,914 शेयरों का यहाँ पे देखने को मिला था, पर बाइंग क्वांटिटी वापस से देखने को मिली है 24,800 शेयरों की ₹32 की प्राइस के ऊपर। उस बीच कंपनी जो सेंटीमेंट है फंडामेंटल वापस से बड़ी तेजी के साथ इंप्रूव देखने को मिल रहा है। उस बीच अगर इंपैक्ट कॉस्ट यहाँ पे देखा जाए तो इसमें इंप्रूव देखने को ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे डिलीवरी जो देखने को मिलेगी उसमें भी दोस्तों क्वांटिटी जो है 24.71% की ओनली जो क्वांटिटी है वो देखने को मिली, पर जो क्वांटिटी का जो ट्रेड नजर आने वाला है वो 3,22,07,425 शेयरों के साथ यहाँ पे नजर आने वाला है। तो कंपनी बड़ी इंप्रूवमेंट जो है तेजी के साथ यहाँ पे करती हुई नजर आ रही, तो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा आप लोगों को देखने को नजर आने वाला है और लगातार जो इंप्रूवमेंट है उसमें बढ़ती हुई जो है तेजी नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों लगातार यहाँ पे जो कंपनी जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस दमखम के साथ दिखाती हुई नजर आ रही है। Q3 के अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया और कंपनी जो आंतरिक फंडामेंटल है वापस से बड़ी तेजी के साथ इंप्रूवमेंट के तौर पर देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी जो इंट्राडे का जो इंप्रूवमेंट है वो अच्छा खासा देखने को मिलने वाला, तो अच्छी
तरीका से परफॉर्मेंस दिखाने का लायक यहाँ पे कैसे रहे पे रहने वाला है। बाकी आपका क्या फंडामेंटल रहने वाला है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। आई होप आप लोग को जानकारी पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनिस्ट होगा तो उसकी जानकारी कमेंट भी पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।